can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. What's up, Cap Gang? Welcome back to another PUBG Mobile video. And आज तुम्हारे भाई लाए तुम्हारे लिए एक बहुत ही गोल गुलाप्पा सा गोलगप्पा सा सोलो वर्सेस स्क्वाड. मतलब इसका मतलब नहीं था जो मैंने बोला अभी, बट एनीवेज आज तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड. कॉज लोग बोल रहे थे कि लाइक एक सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले मिला भाई, तो मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए. एंड उसी के साथ आपने ये भी बोला था कि AWM को वापस से चला, तो आज तुम्हारा भाई पूरे गेम में लाइक पूरा गेम ही AWM को डेडिकेट करता है भाई साहब. सिर्फ AWM स्नाइपर राइफल चलाएगा पूरे गेम के लिए, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला. तो आखिर तक बैठ के देखोगे तो भैया दिल बाग बाग हो जाएगा, बिकॉज इतने सारी स्नाइपिंग हुई है ना, लाइक पूरा कॉन्टेंट ही स्नाइपिंग का आज का ना, लाइक रोजी रोटी स्नाइपिंग की बनी हुई आज तो. इसी के साथ आगे हम जॉर्जो पूल में अकेले. हाँ मेरी फटी नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही थी अंदर से कि भाई इतने बंदे आएंगे, हे कोई मार देगा भे, छोड़ देना मेरे को. बट हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी थी आज के दिन में, किसी ने हमको उतरते ही नहीं मारा और मेरे साथ कोई उतरा भी नहीं. तो ये बंदा मेरे को दिखा, मैंने इसे VSS मारने की निंजा टेक्निक इस्तेमाल करी. बट मैं कह रहा ना भाई, ऐसा ये VSS भी बेवफा है, ये सारी गने ही बेवफा है. सिर्फ M416 द गार्ड गन एंड AWM अच्छी है, ये बाकी की सारी ना काम चलाऊँ है. नहीं नहीं नहीं, एक गेम भी ठीक ठाक सी है. तो फिर अब वो बंदा उधर अकेला उतरा था, मेरे को पता नहीं उसकी स्क्वाड थी कि नहीं थी, पता नहीं उसका सीन था मुझे. तो मैंने क्या करा, मैंने फॉल बैक करा एंड फॉल बैक करके ना पीछे वाले कंटेनर जल्दी से लूटे. एंड उसके बाद मैंने थोड़ा लगाया यहाँ पे अपना 15 KD का दिमाग. मेरे को पता था कि बंदे मेरी तरफ से रोटेट करेंगे, कॉज इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कॉज दूसरी तरफ एनिमीज थे और ये मेरी तरफ से आते 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 मैंने इन्हें रास्ते में पकड़ लिया. तो उसका एक बंदा मैंने नॉकआउट किया, इतने में लेफ्ट से पागल जैसी गोली शुरू लग गई. मैंने कहा ओ भाई साहब मार मत देना मेरे को बे, 100-200 ज़्यादा ले लो, लेफ्ट से मत मारना भाई साहब. हो तो फिर मैंने डर के मारे ऊपर ही चढ़ गया, लाइक कतई चिंपांजी मंकी बन गया अब मैं. अब इन लोगों को ना एक्चुअली पता नहीं था कि मैं हूँ कहाँ, एंड ये सस्ते घंजेड़ी ऊपर ही चढ़ने लग गए गलती से. इन लोगों को पता ही नहीं चला बे, तीन बंदे नॉक हो गए, नुबड़ों को पता ही नहीं चला मैं ऊपर चढ़ा हूं. ओ भाई कौन सा चरस गांजा फूका है बे. नहीं भाई नहीं, ऐसे भी मत मर बे, मेरे को पर्सनली बुरा लग रहा है रे, ऐसे क्यों मरा रे. ओ भाई साहब क्या ही सस्ते नशे करके खेल रहे थे भाई साहब ये 2 KD के प्लेयर. देखिए ये नशा हमें भी करना है, मेरे घर पे डिलीवर करवा दो भाई. ये लोगों को पता ही नहीं चला मैं ऊपर बैठा हूँ, कतई घुसे जा रहे हैं, नहीं घुसे जा रहे हैं. उसके बाद इनके दो बंदे मर गए एंड एक बंदा जो आखिरी वाला था उसने रिवाइव दे दिया. तो अभी क्या ये कंटेनर पे मेरे आगे भाग चुके हैं, लाइक स्प्रेड आउट हो चुके हैं दोनों बंदे ना. अब ये सोचे थे कि TPP CPP लेके मेरा काटेंगे, चलो कुछ नहीं होता. मेरे को एक और चीज़ पता थी कि अभी एक और स्क्वाड है जॉर्ज पूल में ना, एंड वो स्क्वाड को मैंने रोटेट करते हुए देख लिया था वेस्ट से. तो मैं जानता था कि वो स्क्वाड आके इसमें 100% ठुकेगी, 100% लड़ेगी एंड उसका फ़ायदा तुम्हारा भाई लेगा. एंड फिर ये स्कैम हो गया. अब तुम लोग भी ये कर सकते हो, कभी भी बंदा तुम्हें पता है कहाँ पर रहते हो तुम उसके मुंह पे कूद जाओ एंड डायरेक्ट लाइक जमीन छूते ही सांप की अवस्था में आ जाओ, क्योंकि आपको पता ना हो तो हीरोएंगल का सबसे जहरीला प्रोडक्ट क्या है, सांप. तो अगर आप सांप बनते हो फाइट के बीच में तो सामने वाले का कट जाता है, तुम उसको डस देते हो लिटरली जैसे मैंने अभी किया. तो क्या होता है उसको लगता है कि तुम ऊपर ही खड़े रहोगे, मगर उसे का पता था कि किंग भैया तो लेट जाएंगे. तो अब सीन क्या है,
कि पूरा का पूरा जॉर्ज पुल साफ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का, मैं दिमाग से किल्स निकालने की कोशिश करता हूँ, फालतू के ड्रामे व्रामे से मेरे को पसंद नहीं है घुस घुस के मारना ना बिना मतलब के रिस्क लेना, बस मेरे को भाई -50 का थप्पड़ नहीं खाना है। तो अभी यहाँ पर एक ड्रॉप आया था, मैं इसको लेने आया था, मगर मुझे का पता था कि यहाँ पर पहले से दो बंदे उसको लूटने आए हैं। तो मैंने जैसे इस बंदे को नॉकआउट किया ना, मैंने इसको पूरा ख़त्म भी कर दिया एंड इसका टीममेट ऊपर आ गया, तो मैं लाइक बग्गी लेके घुस गया कत्ते ड्रित क्रॉशन। भाई साहब सबसे अच्छा स्टंट लगता है मेरे को ना, चलती बग्गी में पीछे बैठ जाओ, तुम्हारी बग्गी सामने चलती रहेगी और तुम मारते रहो, क्या ही मजा आता है। एंड यहाँ मिल गई तुम्हारे भाई को AWM द पापा गन। जी हाँ, एक कैसे मारोगे अब मेरे को बताओ बेचारा, 100-200 से ज़्यादा ले लो मेरे को बता दो, जब तक मेरे पास AW में मारोगे कैसे। एंड अब यहाँ से जो गेम प्ले में मजा आने वाला है, इस वीडियो को लाइक कर दो, मैं भी बता रहा हूँ सस्ते में भी महंगा गेम प्ले होने वाला कतई, अभी सस्ते में लाइक कर दो कैप गेंग वासियो, बहुत सारे लाइक कर सकते हो तुम चाहो तो, क्योंकि अब बहुत मजा आएगा गेम प्ले में, लाइक कतई इतना मज़ा आएगा बस क्या बताओ, अभी बता दिया देखो, 100-200 से ज़्यादा ले लो भरोसा कर लो। अब क्या हुआ, यहाँ पे शॉट्स फायर हुए तो मैंने देखा ये बंदा अलग ही लाइक पार्क में भाग रहा है, अच्छा जॉगिंग कर रहा है क्या भाई मेरे, अच्छा ये जॉगिंग की जगह है बेटा, हैं एक बंदा कतई ऊपर में भागे जा रहा है, इसको मैंने कोशिश करी दो बार मारने की, फिर मैंने M4 ही निकाल करके मार दिया इसे, अब ये थोड़ा गलत ही मार दिया मैंने इसे भाई दो, एक्चुअली सीन ऐसा था कि वो बंदे पे HP ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने बस ऐसी रैंडम स्प्रे मारा उड़ गया वहाँ पे। वैसे मेरे को लोग बोल रहे थे कि अपनी तो गायरों की सेंसिटिविटी बता एंड ऑल दैट, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं हैंड कैम कवर करूँ अपना, हैंड कैम के साथ आपको गायरों की सेंसिटिविटी भी बताऊँ कि पूरी की पूरी गायरों काम कैसे करती है, एंड वो पूरा का पूरा एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊँ, बट आप बता देना कमेंट सेक्शन में जाके आपको देखना है कि नहीं, बिकॉज भाई साहब वो है ना सीन थोड़ा सा कि बनाने में टाइम वाइम सा लगता है, बिकॉज उसके अंदर ना हैंड कैम लगाना है, एंड हैंड कैम लगाते हुए ना मैं थोड़ा गलती अवस्था में बैठता हूँ, बिकॉज ना मैं थोड़ा लाइक उल्टा सीधा ऊपर टांग ऊपर करके मुंडी नीचे करके बैठता हूँ, मजाक कर रहा हूँ ऐसे लाइक भूत थोड़ी हूँ, बट ये जो सामने स्क्वाड थी ना ये यहाँ के कंपाउंड पे रुक गई एंड मैंने इसका क्या ही फ़ायदा उठाया। यहाँ पर अब कितनी स्क्वाड आके लड़ी है मेरे को नहीं पता, कम से कम भी 5 स्क्वाड आकर के लड़ ली यहाँ पर, एंड तुम्हारे पास बैठ के बस AWM ही मार रहे, लाइक कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ AWM के पटापट पट टकले फोड़े जा रहा है मजाक से हट के। तो मैंने यहाँ पर जो बंदा इनको मार रहा था उसे भी मार दिया, मैंने कहा ले तू भी चल निकल नूबड़े निकल, एक्चुअली वो लेट करके ना DP मार रहा था, मगर उसे का बता दा कि किंग एंड्रू भैया AWM और TPP का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड वो जब जैसे उसने DP मारनी शुरू करी ना उसका फ्लैश दिख गया मेरे को स्क्रीन में, मैंने कहा चल ले पट से चाय शॉट, चाय फेंक के मार दी नूबड़े के मुँह पे। तो फिर मैं निकल लिया यार, देखो मैंने उनको मारा नहीं पूरा, कॉज मेरे को लग रहा था कि वो निकल जाएंगे वहाँ से, कॉज उनके दो बंदे नॉक हो गए थे एंड ये लोग भी दिख नहीं रहे थे, फिर मैंने किल फीड देखा, मैंने कहा हैं ये बंदे वापस लड़ पड़े, इसको तो अभी नॉक किया था, मैंने कहा अरे भाई साहब यहाँ पर तो अभी निकले नहीं है ये, तो तुम्हारे भाई ने अपनी बग्गी घुमाई एंड वापस आ गए यहाँ पर लड़ाई के लिए, एंड देखा तो यहाँ पर क्या ही आतंक मच रहा है, ओहो कितने ही बंदे लड़ रहे हैं पागल जैसे, कितने ही बंदे लड़ रहे हैं, मैंने कहा ये क्या चल रहा है पबजी। तो मैंने इधर एक और स्क्वाड मार दी पूरी की पूरी, अब लाइक ये तो फ्री में ही मर गई, सस्ते में ही निपट गई ये लोग भी, लाइक देखो गाइस अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो एंड अगर आपको और AWM की गेम प्लेस देखना है तो जाकर के नीचे सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप चैनल पे नए हो, एंड ज्वाइन द हैशटैग कैप गैंग, जी हाँ सब्सक्राइब करने वाले को मिलेगा हमारा प्यार, एंड प्यार बांटने से बढ़ता है हम ब्रह्मास्मि, तो जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अब देखो मैंने ना इधर जितनी भी स्क्वाड्स उनका कैसे काटा, मैं पहले लेफ्ट वाली रिच पे गया वहाँ से दो चाटे मारे, फिर मैं राइट वाली रिच पे गया यहाँ से 5 चाटे मारे, फिर मैं लेफ्ट वाली रिच पे गया वहाँ से 6 चाटे मारे, लाइक मैं ना लेफ्ट राइट फ्लैंक मार के इनका स्कैम कर रहा था, बिकॉज मेरे को भी पता था कि इन लोगों में थोड़े अच्छे प्लेयर इनके अंदर दिमाग है,
तो ये एक तरफ से तो बच जाएंगे, बट ये नोबड़े दूसरी तरफ से तो नहीं बचेंगे ना। वैसे अगर आपको पता ना हो तो गाड़ी के अंदर आप ज़्यादा टीपी भी ले सकते हो बैठ करके, तो मैं गाड़ी का इस्तेमाल करके टीपी भी ले रहा था यहाँ पे। हाँ ये भी सीन है ऐसी पबजी में, तो बग्गी में बैठ के टीपी भी ले रहा हूँ। क्या ही दिन आ गया यार। तो यहाँ पर से मैं निकलने वाला था, इतने में मैंने देखा कि वहाँ पे जहाँ पे मैंने बंदे मारे वहाँ पे लूटने आ गया कोई। मैंने कहा ओहो फ्री किल ये। आप लोग भी ये कर सकते हो, सही बताओ ना, आपके पास AWM है ना, कोई अच्छी सी रिज पकड़ो एंड बंदों का बस इंतजार करो गलती करने का। सारे बंदों के अंदर देखो किल की भूख एंड KD का लालच, ये सब चीजें जैसे कि लूटना, मरे हुए बंदों को लूटना, उनके कपड़े चुराना, उनकी क्रेट लूटना, ये सब बंदों को पागल बना देता है। एंड इसके बाद आपको मिलते हैं AWM से फ्री किल्स, जैसे कि ये सब लोग किल के भुखारी हैं। अभी बग्गी वाले अपने आप को कतई स्मार्ट समझ रहा था, अब इसे पता नहीं था कि हमारा जो दिमाग है वो 15 KD का है। अब सीन ऐसा था कि ये बंदे की मेरे को आवाज आ गई थी कि इसने बग्गी रोक दी, एंड उसको पता है बहुत ज़्यादा एडवांटेज था मेरा ने, अच्छा किया वहाँ से निकल के, बिकॉज वो रिज के नीचे था एंड वो रिज का इस्तेमाल करके TP पे लेके मेरे को मार देता इसलिए। मगर उसे का पता था कि किंग एंड्रो भैया ने देख लिया है उसको वहाँ आते हुए। मैं बग्गी लेके ऊपर निकल लिया पहले, फिर मैंने कहा बाय बाय एंड उल्टा उसका कट गया। उसको लगा मैं निकल लिया बट वो मेरे को मारने ऊपर आया एंड उसका फिर लंबे लंबे लग गए अंदर घुसने वाले। नहीं भाई किल की ऐसी भूख, मतलब कि क्या ही लूट रहे हो भाई, क्यों इतनी भूख है तुम्हें लूटने की? क्या हुआ भाई, कुछ घर पे कमी वमी है क्या खाने पीने की? तो बता दे भाई कितनी देर से लूट रहा है विस्की नाम का बंदा, 4 बार तो नॉक कर चुका हूं इस बंदे को, लूटे जा रहा है लूटे जा रहा है लूटे जा रहा है। मैं वापस से घूम के राइट रिच पे आ गया, देख रहे हो मैं सिर्फ लेफ्ट राइट हो रहा हूँ, मेरे को पता है ना ये कितने भूखे हैं लूट के पीछे, कितने ही भूखे हैं। मैंने फिर देखा घर के अंदर बंदा है एंड ये भी अंदर लूट ही रहा था, इसने गलती से विंडो में अपनी टकला दिखाया थोड़ी देर के लिए, मैंने पट से मारा उठा के से। तो इसी के साथ ये स्क्वाड पूरी की पूरी साफ एंड इधर पता ही नहीं तुम्हारे भाई ने कितने किल निकाले हैं, कितने स्क्वाड मार दी, 4-5 स्क्वाड का खात्मा कर दिया मैंने यहाँ बैठे बैठे, भगवान जाने AWM से मजा ही आ गया। लाइक गाइस अगर तुमको चैनल को सपोर्ट करना है ना एंड अगर आप हैकर्स के अगेंस्ट हो तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो #CapGangMembership। जी हाँ, और मैंने न्यू इमोजीज न्यू चैनल बैजेस निकाल दिए गाइस, तो जाओ जाकर के ले लो, 60 रुपीज़ ऑनली, बहुत ऑसम है, एकदम इपिक लगेगा आपके नाम के साथ एक रंग बिरंगा बैज, कितना खतरनाक लगेगा। एंड स्पेशल पर्क्स आपको मिल जाएंगे डिस्कॉर्ड पर रोल एंड बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें, 60 रुपीज़ ऑनली, जाकर के ज्वाइन बटन दबाओ सब्सक्राइब के पास है लेफ्ट और राइट साइड में, जहाँ पर भी मिल जाए नीला नीला सा है ब्लू कलर का। तो इसके बाद मैंने जब ये स्क्वाड मारी ना, इधर का पूरा इलाका साफ। अब मेरे पे लाइक देख रहे हो इतने शॉट मारे, सिर्फ 4 गोलियां बची, 5-6 गोलियां बची थी, मेरे पे AWM ज़्यादा बचे भी नहीं है। एंड अब मैं ना सर्कल के बीचों बीच आ गया, अब 4 बंदे देख रहे हैं, थोड़ी तो इज्जत बचानी पड़ेगी अब तुम्हारे भाई को। बट अब सीन बताऊँ क्या है, बताता हूँ सीन क्या है, मेरे लंबे लंबे एल लग गए, कॉज मेरे पहाड़ पे ना जो लेफ्ट साइड में पहाड़ है इसके ऊपर एक स्क्वाड आ गई है एंड मेरे सामने वाले कंपाउंड पे भी एक स्क्वाड है। मैं निकल नहीं सकता यहाँ से, मैं जाऊँगा तो जाऊँगा कहाँ, कतई जिंगर रिंगर रोसिस पॉकेट फुल ऑफ नूब्स हो गया है मेरा, फट के 4 हो गई, ये सिलने को सरवाल हो गई, ये लंबे लंबे घुसने वाले लग गए हैं, मैं क्या बताऊँ, बस गया गेम मेरे हाथ से यार, क्या करूँ बताओ।
मैं फंस चुका हूँ, तो मैं सही बताऊँ तो ना मैं हर तरफ से फंस चुका हूँ। अब मैंने इसको क्यों नहीं मारा तुम सोच रहे हो, एक्चुअली ना मैंने ना चरस गांजा फूक रखा था, मैंने उसको छोड़ दिया, मजाक कर रहा हूँ। सीन ऐसा था कि वो जो बंदा था ना उसको मैं हेडशॉट नहीं मार सकता था, एंड अगर उसको हेडशॉट नहीं मारूंगा बॉडी शॉट मारूंगा तो बच जाएगा। बट तब भी लाइक मैंने सोचा अरे इसको मारूँ क्या, इसको मारूँ का, अरे यार लगा ही नहीं, मैंने कहा छोड़ो यार बेइज्जती बेइज्जती से हो गई, नहीं भाई नहीं छोड़ो, नहीं मार रहा अभी से, बिकॉज वो बंदे को मैं नॉकआउट नहीं कर पाऊंगा, उसे एक शॉट मारूंगा पेड़ के पीछे चला जाएगा, बच जाएगा 100%, क्योंकि AWM का वन शॉट बॉडी किल नहीं होता, हेड शॉट बॉडी किल होता है। तो मेरे को इंतजार था कि वो बंदा ओपन में आए तो उसे मैं पट से हेड शॉट मार पाऊँ, लाइक सीधी सी बात ना बकवास। तो मैं बैठ के बस देख रहा था, टीपी भी ले रहा था, बिकॉज मेरे को पता था कि वहाँ पे उसके स्क्वाड मेट भी होंगे, वो अकेला तो होगा नहीं, एंड फिर मेरे को दिख गए भागता वो ऊपर। मैंने इस बॉडी मारा तो ये पीछे अपने टीममेट्स के पास भाग रहा था एक्चुअली ना, मैंने वो भी नोटिस कर लिया था कि पीछे क्यों भाग रहा है, वो वहाँ पे स्मोक हो रखा था, तो मैंने कहा अरे 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 ये तो स्मोक वाले सीन है, ये तो पूरी की पूरी स्क्वाड बैठी है इधर, बट मेरी खुद फट रखी है, कॉज मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, कहा बताएं भाई सब एल लग गया आज के दिन में। मेरे को जिंदगी में अभी तक ये नहीं समझ आ गई ये AWM के दो हेड बच कैसे क्या दो शॉट से भाई। ओ भाई साहब ए 100-200 ज्यादा ले ला, मेरे को बता दे कौन सा चरसीली ताकतवर तूने गांजा फूका जिससे तेरे को नशा ऐसा हो गया कि तेरी हेल्थ ही नहीं कम हुई। ए दो दो AWM के बॉडी शॉट खा लिया बे, लेवल 3 के वेस्ट में क्या दो दो AWM के हॉट लाइक तुम खा सकते हो कि बॉडी शॉट, मेरे को नहीं पता बे ये क्या सीन है। एंड फिर मेरे को क्या ही मारा है, राइट से पड़ी लेफ्ट से पड़ी, मार मार के चिकन तंदूरी बना के मारा दे। एनीवेज गाइस वीडियो चली लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और नीचे जाकर बताना अगर तुमको और AWM का गेम प्ले देखना है, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखे मैं अगर आपका लाइक मेरे किंग एंड्रू जैसा कोई चैनल दिखता मेरे को इतना प्यारा प्यारा सा जिससे प्यार बढ़ता है बांटने से, तो मैं सब्सक्राइब करना कभी भी नहीं भूलता। ये लोग तो कतई रैंक पुश कर रहे थे, ये तो पता चल गया था मेरे को इनका इससे, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा तुम्हें तो ब्रांड न्यू वीडियो बहुत जल्दी। पीस आउट। And I need all of you to stop what you're doing and listen.